हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फूड विद हैप्पी लाइफ में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ आलू की कचौरी की रेसिपी, जो कि बनाने में बहुत आसान है और खाने में ही उतनी टेस्टी लगती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 बड़ी कटोरी आटा ले लिया था गेहूं का। उसमें मैंने 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दिया है, थोड़ी सी अजवाइन, नमक थोड़ा सा। अब इन सब चीज़ों को डालने के बाद मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर आटे का एक नरम डो तैयार कर लूँगी। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी 2 टेबलस्पून सूजी भी ऐड कर सकते हैं। सूजी डालने से ये ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी, लेकिन मैंने सूजी का ऐड नहीं किया है। तो ये देखिए, मैंने आटा कचौरियों के लिए तैयार कर लिया है। अब थोड़ी देर मैं इसे रेस्ट करने दूंगी, आधे घंटे तक। तब तक हम इसमें भरने के लिए पीठी तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई में तेल गर्म हो चुका है, तेल मैंने 1.5 टेबल स्पून डाला है छोटा, और उसमें मैंने मीठी सौंफ जो है वो ऐड कर दी है, ऊपर से 2-3 हरी मिर्चें और थोड़ा सा अदरक। अब इन्हें हम हल्का ब्राउन होने तक पका लेंगे। मीठी सौंफ जो है इसमें कचौरी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और थोड़ी सी मैंने इसमें कटा हुआ बारीक प्याज डाल दिया है। अगर आप प्याज नहीं डालना चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और ऊपर से मैंने ये 4-5 आलू थे जिन्हें उबालकर मैंने मैश कर लिया है और इसमें ऐड कर लिया है। अब ऊपर से मैंने टेस्ट के अनुसार इसमें नमक ऐड कर दिया है, धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, जीरा पाउडर 1-1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून गरम मसाला और थोड़ी सी हींग। अब इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, 1-2 मिनट तक इसे, जब तक कि हमारा मसाला मिक्स होता है, पका लेना है। और ये देखिए, मसाला अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब मैं ठंडा होने के लिए इसे दूसरे बर्तन में निकाल दूँगी। और दूसरी तरफ हमारा आटा जो है उसमें मैं थोड़ा सा हाथों में तेल लगा लूँगी और उसे अच्छी तरह से मसल लूँगी ताकि ये डो जो है हमारा और नरम हो जाए। कचौरी बनाने के लिए मैंने एक छोटी सी लोई ले ली है और थोड़ा सा सूखा आटा लगा लिया है। सूखे आटे का आपने कम से कम प्रयोग करना है। आप चाहें तो सूखे आटे की जगह तेल भी यूज़ कर सकते हैं। हाथों में तेल लगाकर भी कचौरी को बड़ा कर सकते हैं। अब कचौरी को एक कटोरी के आकार की तरह इसे बना लेना है, गोल, थोड़ा सा गहरा कर देना है। और इसमें मैं अब अपने हिसाब से जो आलू की पिट्ठी तैयार की है वो डाल दूंगी। ध्यान से इसे डालना है और इसे अच्छी तरह से बंद कर लेना है ताकि ये जो हमारी पिट्ठी है अंदर भरी हुई वो बाहर ना निकले। और हल्के हाथों से इसे बंद कर देना है। अब देखिए, बड़ा करने के लिए इसे बेलने की सहायता से बड़ा नहीं करना है, इसे हाथों से ही चकले पर रख के बढ़ा लेना है। हथेलियों की मदद से इसे थोड़ा थोड़ा फैला देना है। और ये देखिए, कचौरी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। और दूसरी लोई भी मैं इसी तरह बना लूँगी। अब इसे गोल बना देना है।
और इसमें आलू की जो पिट्ठी तैयार की है वो डालकर इसे अच्छी तरह से बंद कर लेना है। अब ये देखिए दूसरी कचौरी जो है उसे भी ऐसे ही हल्के हाथों से इसे फैलाकर बढ़ा लेना है। तो ये देखिए दूसरी कचौरी भी बनकर तैयार है। तो अब कढ़ाई में मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो तेल हमारा अब गर्म हो चुका है। थोड़ा सा मैंने इसमें ये आटा तोड़ कर डाला था चेक करने के लिए कि तेल गर्म हुआ है या नहीं। तो ये देखिए तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं धीरे धीरे करके कचौरी डाल दूंगी। आप कचौरी का साइज़ जो है वो अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो इन कचौरियों को बिल्कुल मीडियम आंच में ही सेकना है। और ये देखिए एक तरफ से इसे सेकने के बाद दूसरी तरफ पलट देना है। और इसे बीच बीच में चलाते रहना है। और ये देखिए इसको मैंने फिर से पलट दिया है। थोड़ा ये तलने में टाइम लेती हैं। तो ये देखिए कचौरी को मैंने फिर से पलट दिया है। तो ये देखिए कचौरी हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, अच्छे से फूल गई है। अब मैं इसे निकाल दूंगी और इसमें दूसरी कचौरी डाल दूंगी। तो बाकी की कचौरियाँ भी हमने ऐसे ही फ्राई कर लेनी है। तो दोस्तों बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है। अगर आप कचौरियों को ज़्यादा क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ी सी सूजी ऐड कर लेना, लेकिन बिना सूजी के भी ये बहुत अच्छी बनती हैं। तो ये देखिए दूसरी कचौरी भी सिक चुकी है, अच्छे से फ्राई हो चुकी है। हम इसे पलट दूंगी। तो बाकी की जो कचौरियाँ हैं उनको भी ऐसे ही बना लूंगी। तो ये देखिए कचौरी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे आप अपने मन चाहे चटनी, सॉस या जिस चीज़ के साथ खाना चाहें खा सकते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।